बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे अंडे और बंद गोभी की सब्ज़ी। हसबे मामूल में पहले डालने लगी कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप जितना। और इसमें मैं डालने लगी हूँ एक बड़ी प्याज ऐसे स्लाइस में कटी। बिस्मिल्लाह, ये इतनी आसान सब्जी है कि झटपट बन जाती है। फिर कभी होता है कि सालन कम है तो साथ कोई साइड डिश बनानी है, ऐसे ये बना लें। फिर कहीं गए हुए हैं तो जल्दी में देर हो गई है तो फटोफट ये बन जाती है। मिनटों सेकंडों में सिर्फ काटने की देर लगती है और कुछ भी नहीं। प्याज को हल्का फ्राई करना, जैसे बारीक बारीक स्लाइस में किया हुआ प्याज को। अदरक नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन है एक टेबल स्पून कुटा हुआ। इसको भी हल्का ही फ्राई करना, कलर नहीं चेंज करना लहसुन को। हो गया, अब मैं डालने लगी हूँ चार अंडे मिक्स करके। ये चार अंडे ये मिक्स करके मैं डाल रही हूँ। अब डाल रही हूँ ये हरी मिर्च सात से आठ कटी हुई। अब इसमें मसाले सिर्फ दो जाएंगे, एक नमक और एक हल्दी। एक टीस्पून नमक, और हाफ टी स्पून हल्दी। ये हरी मिर्च में ही पकेगा। ये दो मसाले सिर्फ गए हैं, एक हल्दी और एक नमक। अब मैं डालने लगी हूँ बंद गोभी। दो कप है मेरे पास, पाँच मिनट में ये पक जाता है। ये बंद गोभी को मैंने बारीक काट के पानी में डाला हुआ था, अब पानी से मैंने निचोड़ लिया तो ये तकरीबन दो कप जितनी है। अब इसको सिर्फ मिक्स करें और दम लगा दें, और कुछ भी नहीं है इसमें। और इतनी ये मज़े की बनती है सब्ज़ी, मैं कई सालों से बना रही हूँ। ज़्यादातर गर्मी में ही बनाती हूँ, गर्मी में ज़्यादा देर तक बंदा किचन में नहीं रह सकता, तो ये होता है कि ये पाँच दस मिनट में बन जाती है। अब ये मिक्स हो गई है, अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। लीड लगा दी और
आज को दम वाली कंडीशन पे कर दी। ये देखिए 5 मिनट के बाद अब मैं खोलने लगी हूँ, ये देखिए पक चुकी है बंद गोभी। सिर्फ 5-10 मिनट लगे और पक गई है, और इतनी ये मज़े की होती है लाल मिर्च के बगैर, हल्दी और हरी मिर्च के साथ। ये देखिए अब मैं चूल्हा बंद करने लगी और सब करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंडे और बंद गोभी की सब्ज़ी तैयार है, बहुत मज़े की बनी है, और ये बहुत मज़े की भी होती है और बहुत जल्दी भी बनती है। कोई हरा धनिया नहीं है, कुछ नहीं है, बस 2-3 मसालों से बन गई है, और इतनी मज़े की खुशबू भी आ रही है और इतनी मज़े की है कि जिसकी कोई याद नहीं है। साथ चपाती हो, नान तो खैर नहीं अच्छा लगता, मुझे तो चपाती ही अच्छी लगती है, या तंदूर की रोटी हो तब।